अधिकतर सबके जीवन शैली का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके जरिए हम पूरी दुनिया में हो रही विभिन्न घटनाओं की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी अखबार में नीचे की तरफ स्थित चार रंगीन बिंदुओं पर ध्यान दिया है? हम में से अधिकांश लोग इस बात से अनजान हैं कि इन चार रंगीन बिंदुओं का क्या मतलब होता है। इतने बड़े अखबार में इन छोटी बिंदियों का क्या काम है? आइए इस वीडियो के माध्यम से ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये रंगीन बिंदियां अखबार में क्यों दी जाती हैं और इनका क्या मतलब होता है। ये हम सब जानते हैं कि पहले अखबार ब्लैक और व्हाइट कलर में प्रिंट होते थे। समय और विकास के साथ साथ अब अखबारों में आकर्षक विज्ञापन, कुछ रंगीन फोटो आदि आने लगी हैं। कई बार इन आकर्षक चीजों की वजह से हम इन रंगीन बिंदुओं पर ध्यान नहीं दे पाते। देखा गया है कि कुछ अखबारों में इनकी आकृतियां अलग होती हैं, जैसे कि किसी में गोल या फिर पान के आकार में, और किसी में ये अखबार के पन्ने के बीच में होती हैं, तो किसी अखबार के कोने में। इनको अखबारों में क्यों दिया जाता है, आइए देखते हैं। मुख्य तौर पर रंग तीन प्रकार के होते हैं, लाल, पीला और नीला। इसी प्रकार से यही पैटर्न प्रिंटर में भी लगता है, पर इसमें एक और रंग जुड़ जाता है, काला। ये चार बिंदियां सी एम वाई के क्रम में बनी होती हैं। सी यानी सियान, प्रिंटिंग में इसका मतलब नीला होता है। एम मतलब मैजेंटा, इसका मतलब गुलाबी है। वाई येलो, इसका मतलब पीला है। के ब्लैक, इसका मतलब काला होता है। इन चार रंगों के सही अनुपात को जोड़कर किसी भी रंग को प्राप्त किया जा सकता है। एक इमेज को प्रिंट करने के लिए इन सभी रंगों की प्लेटें एक पेज पर अलग से रखी होती हैं और छपाई करते समय एक ही लाइन में होती हैं। अगर अखबारों में तस्वीरें धुंधली होती हैं, तो इसका अर्थ ये है कि इन चार रंगों की प्लेट्स ओवरलैप हो गई हैं। इसीलिए CMYK को पंजीकरण अंक भी कहते हैं। हर रोज कितने अखबार प्रिंट होते हैं ये पता लगाना मुश्किल है, इसीलिए शारीरिक रूप से कागज के सभी पृष्ठों की जांच करना भी संभव नहीं। एक प्रिंटर के लिए जो वर्षों से काम कर रहा है, वह जानता है कि एक उपयुक्त CMYK कैसा दिखता है। यदि कुछ भी गलत होता है तो वह इसे खोज लेता है। मूल रूप से रंगीन बिंदियां प्रिंटर के मार्कर के रूप में कार्य करती हैं। आइए अब जानते हैं CMYK प्रिंटिंग प्रक्रिया की विशेषताओं के बारे में। इस प्रक्रिया में हर समय चार मानकीकृत आधार रंगों का उपयोग होता है, सियान, मैजेंटा, पीला और काला। मुद्रित छवि बनाने के लिए इन रंगों के छोटे बिंदु अलग अलग कोण पर मुद्रित होते हैं। वाणिज्यिक मुद्रण में सर्वाधिक व्यापक रूप से इस्तेमाल और लागत प्रभावी रंग प्रणाली होती है। ये बड़ी मात्रा के लिए टोनर आधारित या डिजिटल प्रिंटिंग से काफी सस्ती होती है। इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा और जाना कि अखबार में रंगीन बिंदियां क्यों दी जाती हैं और इनका क्या मतलब होता है।